सुख संपत्ति खराब है। नमस्कार, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के मास में क्या कहता है आपका भविष्य, कैसे बनेंगे आपके बिगड़े काम, जानेंगे हम दखल न्यूज के इस खास कार्यक्रम सुख संपत्ति घर आवे। सबसे पहले सावन को समझिए। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने को देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी है कि जब सनत कुमारों ने देवाधिदेव से पूछा था कि आखिर महादेव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, तो स्वयं भोलेनाथ ने बताया था कि सावन के महीना उनके लिए इसलिए विशेष है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर को त्याग किया था, तो उससे पहले उन्होंने ये प्रण किया था कि उन्हें हर जन्म में भोलेनाथ ही पति के रूप में मिले। और जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म हुआ, तब उनका नाम था पार्वती। अपनी युवावस्था में सावन के महीने में ही निराहार रहकर कठोर तप किया और तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनका शिव पार्वती विवाह हुआ। इसके बाद से ये जो सावन का महीना है ये महादेव के लिए विशेष हो गया। सावन के महीने में अगर हम बात करते हैं तो भोलेनाथ की किस तरह से पूजा की जाती है, तो उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। क्योंकि भोलेनाथ तो भोले हैं, वो तो एक जल, अगर आप एक जल अर्पित कर देंगे एक लोटा, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में विशेष रूप से जल से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, गंगा जल और गन्ने के रस से उन्हें अगर स्नान कराते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अभिषेक के बाद अगर बेलपत्र, शमी पत्र, धूप, कुशा, कमल, नील कमल, मदार और जवा फूल और कनेर और राई के फूल से अगर भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाएगा तो उनकी अति कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके साथ अगर भोलेनाथ को धतूरे का, भांग का और श्रीफल का भोग भी चढ़ाया जाता है तो सावन का महीना आपके लिए विशेष हो सकता है। सावन के महीने में महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय मंथन के समय जो हलाहल विष कालकूट निकला था, तो उसके बाद पूरे संसार के जीवों को बचाने के लिए उस विष का पान भी भोलेनाथ ने किया था। विष इतना हलाहल था कि उसको पीने के बाद भोलेनाथ मूर्छा की अवस्था में चले गए थे और ये देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए थे। उन्हें होश में लाने के लिए आसपास जो भी चीज़ें थीं उसे महादेव को स्नान कराने लगे। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीज़ों से महादेव का अभिषेक कराया जाता है जिनसे विष के असर को शांत किया जा सके, इसलिए महादेव का अभिषेक किया जाता है। ये आम जन को विष से बचाने के लिए महादेव ने जब विष पिया था तो उन्होंने इस विष को अपने कंठ में रख लिया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया और तब से ही भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाने लगा। सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ा दें, बस भोलेनाथ तो इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा और भी है। 89,000 ऋषियों ने जब महादेव को प्रसन्न करने के लिए विधि परम पिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मा जी ने बताया था और इसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। उन्होंने कहा था कि महादेव को 100 कमल चढ़ाने से वो जितने प्रसन्न होते हैं उतना केवल एक नील कमल चढ़ाने से हो जाते हैं। यानी आप एक नील कमल अभी अगर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो 100 कमल के बराबर उसका फल प्राप्त होता है। ऐसे ही 1,000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र चढ़ाने से उसका फल प्राप्त होता है, और अगर 1,000 बेलपत्र चढ़ाएं उसके बराबर का फल समी पत्र के एक पत्ते से होता है। यानी कि भोलेनाथ को एक समी पत्र अगर चढ़ा दें तो 1,000 बेलपत्र का पुण्य प्राप्त होता है। हालांकि महादेव को सुलभ प्रसन्न करना है तो उन्हें बेलपत्र ही चढ़ा दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। सावन का मास चल रहा है, सावन भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसलिए इस समय की गई आराधना का फल भी जल्दी मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने को कामना पूर्ति वाला महीना भी कहा जाता है। इस महीने में पूजा पाठ करने से उसका जो फल है वो
कई गुना प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता तो ये भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती सावन के महीने में धरती पर ही वास करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को उनकी कृपा भी और ज़्यादा प्राप्त होती है। कई लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा सोमवार के दिन खास उपाय किए जाते हैं। अब महादेव को समझिए, उनका स्वरूप अन्य देवताओं से भिन्न है। गले में नागों की माला है, जटा में गंगा है, सिर पर चंद्रमा है, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी चीजों के पीछे, धारण करने के पीछे आखिर क्या किस्से हैं? भोलेनाथ केवल मनुष्यों पर की भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते, वह अन्य जीवों पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं। कहते हैं कि नाग नागिन भोलेनाथ को अपना भगवान मानते हैं। उनके गले में सर्प की माला लिपटी रहती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो रस्सी बनी थी उसका काम भी वासुकी ने ही किया था। भोलेनाथ नागराज की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने वासुकी को अपने गले में लिपटे रहने का वरदान दे दिया। नागराज वासुकी उसके बाद अमर हुए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक है। भगवान शिव को तप, साधना, भक्ति परम प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में पूरे भक्ति भाव के साथ व्रत, उपासना, तप और साधना करने से भोलेनाथ की असीम भक्ति प्राप्त होती है। ज्योतिष के अनुसार इस बार सावन के महीने में कई शुभ योग बने हैं। इस दौरान जो पुष्कर, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और रवि पुष्य योग हैं। इसी के साथ इस बार सावन में 11 सर्वार्थ सिद्ध योग, 1 अमृत योग और 1 दुर्लभ रवि पुष्य योग भी है। सावन का इस बार आरंभ भी द्विपुष्कर योग से ही हुआ है। ज्योतिष गणनाओं की हम बात करेंगे। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक वार, तिथि और नक्षत्र जब तीनों मिलते हैं तो द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग बनते हैं। माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता निश्चित प्राप्त होती है। आपकी राशियां और सावन में महादेव की कृपा से शनि बनाएंगे बिगड़े काम, ये हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। ब्रेक के बाद सुख संपत्ति घर आवे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे द्विपुष्कर योग की। द्विपुष्कर योग में आर्थिक लाभ होने की बहुत अधिक संभावनाएं रहती है। इस योग में संपत्ति, घर, वाहन खरीदना और बनवाना दोनों ही शुभ माने जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों की इस बदलती हुई चाल का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। हालांकि वो जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है, हर राशि के हिसाब से अलग प्रभाव है। ऐसे में द्विपुष्कर योग की वजह से मेष, मिथुन, कन्या, धनु राशि के जो लोग हैं उनको धन लाभ हो सकता है। ये उनके लिए खुशखबरी भी है। उनकी हर मनोकामना महादेव इस सावन के महीने में पूरी करेंगे। तो आइए हम जानते हैं इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर किस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि के जातकों के लिए ये योग बेहद शुभ रहने वाला है। इस योग की वजह से इस राशि के लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता का योग है। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में डेडिकेटेड रहेंगे, परिवार के साथ अच्छा समय भी बीतेगा। बात आपको सिर्फ इतना सा करना है कि पूरे महीने में महादेव को हर रोज सिर्फ एक बिलपत्र चढ़ाना है। अब बात करेंगे वृष राशि वालों की। आपके लिए सावन मिले जुले परिणाम लेकर आया है। कार्य क्षेत्र में सफलता तो मिल सकती है, घर परिवार का माहौल भी खुशहाल बना रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें, जरूरत के अनुसार ही खर्च करें। आर्थिक चपत लगने का अंदेशा है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे आपको सिर्फ इसके लिए शिवलिंग पर पंचामृत का अभिषेक करना है। पूरे सावन मास में अगर आप पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। समय बहुत अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा आपको मिल रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सावन के महीने में फलदायक ही फलदायक है।
इस दौरान आपको धन की प्राप्ति के योग हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, घर परिवार में खुशहाली का माहौल है, कई पुरानी परेशानियों से निजात मिलेगी, बिजनेस करने के नए अवसर मिलेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता की जो तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलने के भी योग हैं। बात करेंगे कर्क राशि के वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सावन के महीने में उनके मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा। इस दौरान अगर धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि है तो आपके बिगड़े काम बनेंगे, कामकाज की वजह से थकान हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। लेन देन में आपको सावधानी जरूर बरतनी है, धनानी के योग आपके साथ बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। सावन में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, यानी भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। इस समय आपके लिए सर्वथा अनुकूल समय है, सावन का महीना आपके लिए अनुकूल है, मित्र परिजनों का साथ आपको मिलेगा, मानसिक तनाव जरूर हो सकता है लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र पर मान सम्मान बना रहेगा लेकिन कुछ कार्यों में निराशा हासिल हो सकती है। शिव जी के पंचाक्षरी जो मंत्र है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को दुपिष्कर योग और सावन मनोवांछित फल प्राप्ति लेकर आया है। इस दौरान आप एनर्जेटिक रहेंगे, बिजनेस करने के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, रचनात्मक कार्यों में आपकी सफलता के योग हैं, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, मित्रों के साथ अच्छे संबंध होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में उनको अपार सफलता मिलती दिख रही है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये योग सामान्य फल देने वाला है, घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, किसी भी काम को सोच समझ कर करना है, पार्टनर के साथ जरूर अच्छा समय बीतेगा। सावन में शिव जी को रोज आपको धतूरा अर्पित करना है, इसके बाद आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सावन के दौरान समाज सेवा के प्रति आपकी रुचि पैदा होगी, जो भविष्य में आपके काम आएंगे, बच्चों को बड़ी सफलता मिल सकती है, शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता जरूर मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बेरोजगारों को रोजगार की भी प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातकों के लिए सावन बेहद शुभ रहेगा, इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पिता और मित्रों का सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, व्यापार में धन लाभ के योग हैं, क्रिएटिविटी में सफलता मिल सकती है। मकर राशि वालों के लिए यह समय संघर्ष से भरा हुआ है, किसी को भी सोच समझ कर करें, कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें, परिवार में अच्छा समय बीतेगा, शिक्षा और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिल सकती है, अनजान व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करें नहीं तो आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो महीना है उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए है, ये समय आपके लिए सर्वथा अनुकूल है, मेहनत करने से सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ हो सकता है, ऑफिस में सहकर्मियों के साथ आपका सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बात करेंगे मीन राशि की। इनके पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, इस दौरान ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आगे चल के आपको सहायक होंगे, आपके जीवन में काम आएंगे, मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलेगी, प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब बात करेंगे हम ज्योतिषी की। ज्योतिषी में ज्योतिष के अनुसार शिव के साधना के कई प्रयोग हैं। कोरोना के कठिन काल में आपको सुखों की अगर चाह है तो शिव की साधना से जुड़े ज्योतिषी उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। देवों के देव महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, उनको भोलेनाथ भी इसीलिए कहा जाता है कि वो जरा सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत शुभ देने वाली है। तंत्र मंत्र यंत्र और ज्योतिष का उद्गम भोलेनाथ के मुखारविंद से ही माना जाता है। सावन में राशि के अनुसार शिव मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी किस्मत संवर जाएगी, आपकी साधना सफल होगी। अब हम आपको ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग बता रहे हैं जिनसे आपको भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में मार्केश की दशा चल रही है तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ का महामंत्र यानी महामृत्युंजय मंत्र का जप करना लाभप्रद होगा। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए शिव की पूजा का उपाय कर सकते हैं।
रोग को दूर करने के लिए आप कच्चे दूध और गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें, आपकी ये समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, जो ज्यादातर लोगों की कुंडली में कालसर्प योग रहता है और लोग परेशान रहते हैं इस योग की वजह से, तो उसे दूर करने के लिए आप महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर जाकर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करा सकते हैं। यदि आपको हमेशा किसी शत्रु का भय रहता है तो उसे दूर करने के लिए इस सावन मास में सिर्फ आपको इतना सा करना है कि सरसों के तेल से काले शिवलिंग का अभिषेक करें, आपको जो शत्रु का भय है वो दूर हो जाएगा। अब आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। जिन जातकों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उनके लिए सावन मास और भोलेनाथ की कृपा जरूर उन पर होगी। उनको सिर्फ इतना सा करना है कि मक्खन का शिवलिंग बनाना है और उस पर गंगा जल से अभिषेक करना है, उनको भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, उनको संतान की अवश्य प्राप्त होगी। वहीं एक समस्या जिससे अक्सर सभी लोग जूझते हैं आर्थिक रूप से, कोरोना के बाद से अक्सर लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, और सावन के महीने में अगर भोलेनाथ की मन से भक्ति कर ली जाए तो मुझे लगता है कि ये जो सावन का मास है आपकी इन आर्थिक परेशानियों को जरूर दूर कर देगा। इस सावन मास में भगवान भोलेनाथ के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको अवश्य प्राप्त होगी, और इसके लिए कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक स्फटिक का शिवलिंग लाएं और स्फटिक के शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करें, अभिषेक करें, बिलपत्र चढ़ाएं, और सावन के मास में सिर्फ आपने इतना भी कर लिया तो माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। बहुत से जातकों के कुंडली में अल्पायु का योग होता है, जो जातक चाहते हैं कि वो लंबी उम्र जिए, दीर्घायु होने की जो कामना करते हैं, तो उनको सिर्फ इतना सा करना है कि श्रावण मास में गाय का शुद्ध घी लें और उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर आप गाय के शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको अवश्य दीर्घायु प्राप्त होती है। एक उपाय उन जातकों के लिए भी जो लोग बड़े लंबे समय से घर का सपना सजोए बैठे हैं, अपना घर देखना चाहते हैं, किराए के घरों में जो लंबा समय गुजार चुके हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अपना घर का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये सावन में एक छोटा सा प्रयोग आपके सपने को जरूर पूरा करेगा। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि शहद से शिवलिंग का विशेष पूजन करना है। अगर सावन मास में आप शहद से शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको आपके घर का सपना अवश्य पूरा होगा, भोलेनाथ की कृपा से आपका खुद का घर होगा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये किस तरह से ये काम होगा। तो अगर आपके मन में भी किसी काम को लेकर के या किसी कार्य को लेकर बहुत जो बहुत दिनों से आपके मन में चिंता का विषय बना हुआ है, आप ये सोचते हैं वो काम कैसे पूरा होगा, तो वो काम भोलेनाथ की कृपा से ज़रूर पूरा होगा। आपको लिए उसके लिए बस एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय से किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता जरूर मिलती है, उसमें सिद्धि जरूर मिलती है। आपको सिर्फ पार्वत के शिवलिंग की पूजा करनी है। दही को कपड़े में निचोड़ने के बाद जो शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है उसे भगवान शंकर से धन धान्य की प्राप्ति और आशीर्वाद मिलता है। अगर आप शनि देव या शनि की ढैया साढ़े साथी से अगर परेशान हैं तो ये सावन का महीना और भोलेनाथ की भक्ति आपको शनि देव की कृपा भी प्राप्त करा देगा। सावन में भगवान शिव के साथ शनि की आराधना करने से धन संपत्ति के साथ साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। सावन के महीने में आने वाले जितने भी शनिवार होते हैं उनको शनि संपत कहा जाता है, और जो लोग शनि संपत का व्रत रखते हैं, शनि संपत का व्रत रखने से न सिर्फ शनिदेव के प्रकोप को शांत किया जा सकता है बल्कि जन्म कुंडली में शनिदेव के द्वारा जनित दोषों का भी शमन किया जा सकता है। सावन के महीने का सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही नहीं बल्कि शनि देव से भी बहुत गहरा संबंध है। सावन का पावन महीना महादेव के साथ साथ भगवान शनि देव को भी प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मौका देता है। अतः यदि सावन के महीने में शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आप अपनाकर शीघ्र ही न्याय के देवता शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शनि देव यदि एक बार आपसे प्रसन्न हो जाएं तो आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपके घर परिवार में सुख संपत्ति लौट आएगी। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु प्रसन्न है तो शिष्य भी प्रसन्न होगा। भगवान भोलेनाथ
शनिदेव के भी गुरु हैं। शनि संपत्ति का व्रत रखने से न केवल आरोग्य की प्राप्ति होती है बल्कि धन संपत्ति की प्रबलता भी मिलती है। आपको करना सिर्फ इतना है कि स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाली भोलेनाथ की उपासना करें। इसके बाद संध्या के समय में किसी शनि मंदिर में अथवा पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। दीपक में थोड़ा सा काला तिल भी डाल दें। दीपक जलाने के उपरांत भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और उसके बाद शनिदेव का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का भी जप करें। यह शनिदेव का बीज मंत्र है। इसके अतिरिक्त आप ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पूजन में सर्वप्रथम भोलेनाथ किससे आशीर्वाद मांगें, संभव हो तो रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्त्रोत का भी पाठ करें। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें कि आपके शिष्य शनिदेव मुझ पर कृपा करें और बाद में देव न्याय के देवता शनिदेव से भी प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करें, सभी दोषों से छुटकारा दिलाएं, आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। इसके साथ ही अब हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे अपार लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। तो जब आप सरसों का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं तो माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम नमः या ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जप करें। किसी भी निर्धन व्यक्ति या दिव्यांगजन को भोजन अवश्य कराएं, भोजन के निमित्त दक्षिणा भी दें। आप सावन के महीने में शनिवार के दिन छाया पात्र का भी दान कर सकते हैं। जो भी प्राणी सावन के दिनों में शनिवार को छाया पात्र का दान करता है उससे शनिदेव अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा फल प्रदान करते हैं। यदि बहुत समय से आपका कोई काम अटका हुआ है तो आपको केवल एक लोहे की कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल भरना है, उसमें अपनी मध्यमा उंगली से शनि का जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, उसको लिखना है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद कटोरी समेत जो तेल है वो दान कर दें। ये उपाय आपको हर शनिवार करना है। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो संपत शनिवार को पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें, उसके तने पर काला धागा लपेटें और उसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। आपकी नौकरी जल्द ही लग जाएगी। यदि आपके घर में धन संपत्ति से संबंधित कोई समस्या है तो शनिवार को संध्या काल में नीम की लकड़ी हवन कुंड में डालें और उसके बाद काले तिल से 108 आहुतियां देकर हवन करें। इस दौरान आपको ओम शम शनिश्चराय स्वाहा या फिर ओम श्रीम शनिश्चर देवाय नमः इन मंत्रों का जाप करना है। सुख संपत्ति घर आवे में आज इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज़।